मोटा है, पतला है, चीक्स अपलिफ्ट है यानी, तो हम अपने फेस को इंस्टेंट स्कल्पिंग लुक दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप? कंटूरिंग एंड हाईलाइट। वो कॉम्पैक्ट भी डार्क कर दो दिखने में। ये दोनों स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब जितनी भी लिक्विड या क्रीमी चीजें होती है वो आपने पहले लगानी है और जितनी पाउडर चीजें वो बाद में। लाइक हमारे पास जो हाइलाइटिंग है कॉन्टोरिंग है वो क्या है, पाउडर बेस्ड में है, तो आप कॉम्पैक्ट पहले लगा लो या ये लगा लो। मैंने कॉम्पैक्ट पहले क्यों दिखा, क्योंकि ज्यादातर सारी क्या है लेमैन है। लेमैन मीन्स अगर पहले हाइलाइटिंग और कॉन्टोरिंग कर लो तो यहाँ पे ब्लैक और वो हाईलाइट करके उसके बाद कॉम्पैक्ट रगड़ेंगे फिर कहेंगे पूरे चेहरे पे नहीं आ रहा, तो इसलिए कॉम्पैक्ट पहले लिख दिया। अगर इन केस आप क्रीमी हाईलाइटर या कॉन्टोर यूज कर रहे हैं तो आपने उसको कॉम्पैक्ट से पहले करना है। मोदी केयर हम सबको बहुत अच्छे से समझता है और जानता है कि बहुत सारे होम मेकर्स यहाँ पे बिजनेस मैनर बनने आते हैं, तो एकदम ऐसे प्रोडक्ट दिए जो वेरी इजी टू ब्लेंड है और आप इजिली यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या लगाएंगे? ब्लश ऑन, इल्यूमिनेटिंग ब्लश, देन लिप्स, लिप शेप हो गया, आप साथ में लिप लाइनर यूज कर सकते हैं। इसमें इल्यूमिनेटिंग लोशन कहाँ लगाएंगे? इल्यूमिनेटिंग लोशन अलग अलग पर्पज के लिए यूज हो सकता है। लाइक इल्यूमिनेटिंग लोशन को अगर आप अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा लेंगे तो पूरे चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली